दैनिक वेतन भोगी वन कर्मी संघ ने दरभंगा परमंडलीय वन क्षेत्र के समक्ष किया अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन। किसके कारण आप ये जुलूस निकाले हुए? जुलूस निकाले हैं कि हम लोग 30 साल से इस विभाग में वन पर्यावरण में दैनिक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार श्रम नियोजन विभाग निकाला है चिट्ठी कि 1/4/2019 से उसको ग्रेड फिक्सेशन करके उसको मजदूरी में अंतर करना है। यहाँ लिस्ट भी बन गया लेकिन हम लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी है और कुशल का मजदूरी 30 साल के बाद भी हम लोगों को वही मिलता है, उसमें भी किसी को दिया किसी को काम कराने के बाद उसका मजदूरी का भुगतान ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। भविष्य निधि के बारे में सरकार कोर्ट सब सक्रिय है कि भाई सबको मजदूर जो है लंबे समय से काम करता है उसका भविष्य निधि का कटौती किया जाए, वो भी अभी भविष्य निधि की कटौती में आजकल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, पूरे पर्यावरण के श्वास हवा के जलवायु का जो व्यवस्था कर रहा है वह आज भुखमरी के कगार पर है, उसका कमाया हुआ भी मजदूरी ठीक से नहीं मिलता है, काम करता है कोनो भाउचर बनता है किसी और का और जो मजदूर गरीब काम किया है वह रास्ता पर ही घूम रहा है। तो इसी सब के समस्या लेकर के 30 दिन काम करता है 26 दिन के पैसा मिलता है, तो यही समस्या लेकर हम लोग आज प्रदर्शन निकाले हैं। हमारा डिवीजन कार्यालय पर वहाँ पर धरना चलेगा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह अनशन, मतलब जब तक हम लोग का समस्या समाधान नहीं होगा हम लोग वन प्रबंधक का नाम है सर अपना कार्यक्रम क्या नाम हुआ कमलदेव प्रसाद सिंह परमंडलीय अध्यक्ष बिहार राज्य वन कर्मी दैनिक वन कर्मी संघ की ओर से 9 सूत्री मांगों को लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी मिथिला वन प्रचार प्रमंडल दरभंगा के समक्ष यह जुलूस आपको लहरियासराय स्टेशन से होते हुए टावर होते हुए कलेक्ट्रेट होते हुए वहां पहुंचेगा और वहां 9 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांग है इन लोगों के आज 25-30 वर्षों से लगातार कोई सेवा कर रहा है, दैनिक मजदूर है, कुशल मजदूर है, अर्धकुशल मजदूर है, अति कुशल मजदूर है, सुरक्षा श्रमिक है, लेकिन इनकी सेवा अभी तक स्थायी नहीं हुई है, इसलिए स्थायीकरण की मांग को लेकर के और बिहार सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी का जो मापदंड है उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, ईपीएफ की सुविधा इन लोगों को नहीं दी जा रही है, बहुत सारी मांगे हैं जिस मांग पर अगर पुनर्विचार यहाँ के DFO साहब अगर नहीं करते हैं राज्य सरकार नहीं करती है इनकी मांगों पर पुनर्विचार अगर नहीं होता आज तो यह जो है आज शुरू हुआ है और अनिश्चित काल सत्याग्रह पर ये वन कर्मी लोग दिख रहा है जो भूखे पेटों रह करके 30 दिन सेवा करते हैं और 26 दिन का इनको मजदूरी मिलता है, ये मांग है हम लोगों का आज के इस धरना प्रदर्शन और जुलूस के माध्यम से इन लोगों को कार्य दिवस के आधार पर जितना काम लो उतना पारिश्रमिक का भुगतान करो और नहीं तो आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा।